कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही चैनल क्रिकेट फैंटेसी 11 में। हम इस वीडियो में कवर करेंगे झारखंड वुमेन्स T20 लीग का DUM वुमेन वर्सेस BOK वुमेन, दोनों ही टीमों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे और प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाएंगे और टॉपिक्स प्लेयर भी जानेंगे, ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी टीम भी बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में हम आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बताएंगे जो आपको 100% विन करने में सहायता करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना बोले ताकि रोजाना ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि उसमें हम फाइनल टीम और फाइनल अपडेट फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले हम मैच डिटेल देख लेते हैं। अगर हम मैच डिटेल की बात करें तो DUM वुमेन वर्सेस BOK वुमेन मैच नंबर 2 रहने वाला है। 14 फरवरी दोपहर 2 बजे JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाना है। अगर हम वेदर रिपोर्ट की बात करें तो 28 सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से आपको हवाएं देखने को मिलेंगी और बारिश का कोई भी संभावना नहीं है। अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर JSC इंटरनेशनल स्टेडियम में गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए दोनों की अच्छे पिच रहने वाली है। अगर हम एवरेज फास्टिंग स्कोर की बात करें तो आपको 130 मैक्सिमम रन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम दोनों ही टीमों के बारे में प्रोबेबल प्लेइंग 11 जाएँ तो DU के वुमेन प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहेगी। पहले रहेंगे जया कुमारी, फिर रहेंगे प्रिया कुमारी, फिर रहेंगे प्रियां सवाना, फिर रहेंगे प्रतीक्षा गौतम, फिर रहेंगे कुमारी सविता, फिर रहेंगे रोम कुमारी महोत्ता, फिर रहेंगे देवयानी प्रसाद, फिर रहेंगे सविता कुमारी, फिर रहेंगे अंजलि दास, फिर रहेंगे शांति कुमारी, फिर रहेंगे मुस्कान कुमारी। कुछ इस प्रकार आपको DUM वुमेन की प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। अगर कोई चेंजिंग होता है हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। अगर हम BOK वुमेन की प्लेइंग 11 जानते हैं, BOK वुमेन की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहेगी। नंबर 1 पर रहेंगे रिया राज, फिर रहेंगे कोमल कुमारी, फिर रहेंगे रितु कुमारी, फिर रहेंगे प्रिया तिकरिका, फिर रहेंगे आरती कुमारी, फिर रहेंगे ईशा खान, फिर रहेंगे इंद्र रॉय, फिर रहेंगे अनिता मंज, फिर रहेंगे अश्वनी कुमारी, फिर रहेंगे रागिनी कुमारी, फिर रहेंगे पल्लवी भारद्वाज। कुछ इस प्रकार आपको BOK वुमेन की प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। अगर कोई चेंजिंग होता है हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। अगर हम दोनों ही टीमों के बारे में टॉपिक्स प्लेयर की बात करें तो टॉपिक्स प्लेयर नंबर 1 पर रहेंगी जया कुमारी। इन्होंने पिछले मैचों में 197 रन बनाए थे 7 इनिंग खेलकर। अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो इन्होंने फिर दूसरे प्लेयर हमारे रहेंगे इंद्रानी रॉय। इंद्रानी रॉय ने 460 रन बनाए 15 इनिंग में, अभी तक 1 सेंचुरी लगाई है। अगर हम बात करें तो अगली प्लेयर रहने वाली है हमारे ईशा केसरी ने 14 मैच खेले, 284 रन बनाए, 150 लगाई और 4 विकेट लिया। ये अच्छी पिक्स अपने ग्रैंड लीग के लिए रहने वाली है। तो हम अपने ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं। दोस्तों, हमने 2 टीम अपने क्रिएट करके रख रखी हैं, पहली और दूसरी। हम दोनों ही टीमों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो पहले ही टीम को देखते हैं। पहली टीम हमारी कुछ इस प्रकार रही। विकेट कीपर सेक्शन से लिए हमने जया कुमारी, फिर लिए हमने आर राज। फिर बैट्समैन सेक्शन से बात करें तो बैट्समैन सेक्शन से लिए हमने पी शिव्यांश, फिर लिए हमने पी गौतम, फिर लिए हमने पी कुमारी, फिर लिए हमने के कुमारी। अगर हमारे अंडर सेक्शन से बात करें, अंडर सेक्शन से लिए हमने आर कुमारी महता, फिर लिए हमने आई केसरी। अगर हम बॉलर सेक्शन से बात करें तो हमने लिए ए दास, फिर लिए एस कुमारी, फिर लिए हमने ए कुमारी। कुछ इस प्रकार हमारी पहली टीम रहने वाली है। अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो हमने विकेट कीपर सेक्शन से बनाई है कैप्टन जय कुमारी और ऑलराउंडर सेक्शन से बनाई है हमने आई केसरी। कुछ इस प्रकार हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन रह सकते हैं। अगर हम दूसरी टीम के बारे में बात करें तो दूसरी टीम हमारी कुछ इस प्रकार रहने वाली है। विकेट कीपर सेक्शन लिए हमने जय कुमारी। अगर हम बैट्समैन सेक्शन से बात करें, हमने लिए हैं पी शिव्याना, फिर लिए हमने पी कुमारी, फिर लिए हमने आर कुमारी, फिर लिए हमने के कुमारी। अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, हमने लिए आर कुमारी मेहता, फिर लिए हमने आई रॉय, फिर लिए हमने ए कैसरी। अगर हम बॉलर सेक्शन से बात करें तो ए दास, फिर लिए हमने एस कुमारी, फिर लिए हमने ए कुमारी। कुछ इस प्रकार हमारी सेकंड टीम रहने वाली है। अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन बनाइए आई रॉय, फिर लिए हमने बैट्समैन सेक्शन लिए पी कुमारी। कुछ इस प्रकार हमारी दूसरी टीम रहने वाली है और कैप्टन वाइस कैप्टन हमने आपको बता दें हैं। अगर हम आपको सेकंड ऑप्शन बताएं कैप्टन और वाइस कैप्टन, सेकंड ऑप्शन ऑप्शन आते हैं आर कुमार मेहता, फिर उधर से ऊपर से बना सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन जय कुमारी। कुछ इस प्रकार हमारे सेकंड कैप्टन और वाइस कैप्टन रह सकते हैं। तो आप इन दोनों ही टीमों से अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं। तो प्लीज़ अभी तक आपने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि रोजाना ही ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।